भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु की नाम की स्तुति हो। आज का सुबह का मनन के लिए दूसरा पत्रस की पत्रिका पहले अध्याय की तीसरी आयत पढ़ने के लिए चाहता हूं। सेकंड पीटर चैप्टर 1:3, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाए हैं। पत्रस इस आयत में कुछ बातें हमको बताने के लिए चाहता है। हम इस वर्तमान समय पर हमारा जीवन में भक्ति और जीवन प्रकट करके जीने के लिए हर एक बातें परमेश्वर यहां हमको प्रदान किया है। ये बातों को पत्रस यहां बता रहे हैं। जीवन और भक्ति इस वर्तमान काल में हमारे जीवन से प्रकट होना है, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, योहन्ना रचित सुसमाचार 10:10 में, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, हम उसके पास में अनंत जीवन पाए। इस वर्तमान समय में बहुतायत से जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए। प्रभु अपने जीवन सूली पर देकर मृत्यु के बाद में पुनरुत्थान होकर आज स्वर्ग में विराजमान है। हमारा जीवन का द्वारा बहुतायत से जीवन प्रकट होने के लिए प्रभु चाहते हैं। पुराना नियम में हम देखते हैं, निर्गमन का किताब में इसराइल लोगों को मन्ना दिया है। वो मन्ना वो लोगों ने हर एक दिन सुबह का समय पर बटोरता था। निर्गमन की किताब 16:21 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और वे बोर के प्रतिदिन अपने अपने खाने के योग्य बटोर लेते थे, और जब धूप खड़ी होती थी तब वह गल जाता था। एकदम सुबह का समय पर ये लोग बाहर निकलकर जो मन्ना बटोरता था, ये लोगों का हर एक दिन के लिए मन्ने की आवश्यकता था। जैसे विश्वासी इस पृथ्वी में रहते हुए समय पर भक्ति जीवन के लिए और हर एक दिन प्रभु से जीवन की मन्ना जो भक्ति के लिए जीने के लिए बटोरना चाहिए, और साथ साथ में परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर का शक्ति भी प्रदान किया है। हम रोमियों का पत्रिका 1:16 में इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले उनके लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है।
परमेश्वर का सामर्थ सुसमाचार का द्वारा जो वचन है वो वचन यहूदी और यूनानी के लिए उद्धार की कारण बनते हैं। इसके लिए वो परमेश्वर का सामर्थ है। भक्ति से जीने के लिए परमेश्वर सुसमाचार का द्वारा जो वचन हमको दिया है वो परमेश्वर का शक्ति हमारे में दिया हुआ है। तीसरी बात हम देखते हैं, प्रभु का साथ अपने ज्ञान दिया हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय की 3 आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अनंत जीवन यह है कि वे तुझे अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिससे तूने भेजा है जाने, और इस प्रभु यीशु मसीह को साथ साथ में परमेश्वर को हम जाने तो हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन में अनंत जीवन है। तो ये ज्ञान प्रभु का साथ हमेशा संगति रखने से हमको मिलते हैं। और इतना भी नहीं है, और परमेश्वर ये भी चाहते हैं परमेश्वर का महिमा अपने जीवन के द्वारा प्रकट हो जाए। सृष्टि में हम देखते हैं कि परमेश्वर का महिमा को दिखाते हैं। सृष्टि में हमारा ध्यान लगाते हुए समय पर परमेश्वर का महिमा कितने गंभीर है, फिर हम देखते हैं यीशु मसीह में वो महिमा हम दे सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय की 14वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा, जो परमेश्वर को देखना जैसे प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का महिमा और यूहन्ना और उसका साथ में रहने वाले लोगों ने देखा, जैसे हमारे जीवन से भी इस महिमा देखने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। और इतना भी नहीं है, और अपने जीवन से और इस महिमा का गुण प्रकट होने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। एक दौड़ने वाला व्यक्ति अपने तेज से दौड़ने का वजह से और उसका गुण प्रकट होता है। एक चक्कू है और उस तलवार है, उस तलवार का धारी से और उसका गुण को प्रकट करता है। जैसे हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जो गुणों है अपने जीवन का द्वारा प्रकट होने के लिए प्रभु चाहते हैं। प्रभु में प्रेम, धार्मिकता, विश्वास योग्यता, जिस प्रकार की गुणों को हम देख सकते हैं, जिस प्रकार अपने जीवन से भी ये सारे गुणों को प्रकट होने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसके लिए इस वर्तमान समय में पत्रस कहते हैं कि इस दुनिया में हम रहते हुए समय पर जीवन और भक्ति के लिए सारे संबंध में हमको यहां तो परमेश्वर ने सारे बातें दिया हुआ है। इसके लिए ये सारे बातों अपने जीवन से प्रकट होने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि प्रभु का जीवन हम पाए और साथ साथ में बहुतायत से जीवन हम पाने के लिए चाहते हैं। और इतना भी नहीं है, रोज प्रभु का वचन से और भक्ति के लिए हम बटोरना चाहिए। सुसमाचार की द्वारा परमेश्वर का सामर्थ्य हमको दिया हुआ है। प्रभु का साथ में हमारा हमेशा उसका पहचान का द्वारा, ज्ञान का द्वारा हमारे जीवन में हम उसको जानने से हमको आनंद जीवन है। इतना भी नहीं, परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन से भी देखने के लिए चाहता है। और इतना भी नहीं, हमारे जीवन में जो सद्गुण जो प्रभु में है वो गुण हमको इस पृथ्वी में दिया है। प्रभु हमको सहायता करे वर्तमान समय में जीवन और भक्ति से जीने के लिए। प्रभु हमको सहायता करे। ये दुनिया एकदम बुरे है, और इस बुरे वर्तमान काल में हम भक्ति से जीने के लिए प्रभु हमको सहायता करे। जय मसीह की।